नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मसूर दाल का चिल्ला बनाना सिखाऊंगी। ये चिल्ला बनाना काफी आसान है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने चिल्ला बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया है। इसके लिए मैंने एक कप मसूर दाल को लिया है और इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था, और एक कप मैंने सूजी को लिया है, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, लहसुन मैंने इसे बारीक पीस लिया है और ये मैंने 2 टीस्पून लिया है, नमक स्वादानुसार, और हरा धनिया मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और चिल्ला बनाने के लिए मैंने रिफाइंड को लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी तेल का प्रयोग कर सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मसूर दाल को इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर और इसे बारीक पीस लेना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने मसूर दाल को इस तरह से थोड़ा पानी डालकर इस तरह से इसे बारीक पीस लिया है। आप चाहे तो लहसुन भी इसमें साथ में डालकर पीस सकती हैं। और अब मैं इसमें सूजी को मिला दूंगी, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, लहसुन, नमक, हरा धनिया, और इन सभी को मिलाकर इस तरह से अच्छी तरीके से इसे बिल्कुल मिला लेना है। मैंने सूजी को डाला है, सूजी थोड़ा अभी फूलेगा, इसे अच्छे से मैंने इस तरह से मिला लिया है, और अब इसे मैं ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि सूजी हमारा कुछ फूलेगा। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया, सूजी हमारा कुछ इस तरह से फूल गया है। ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा और पानी मिलाऊंगी। और अब ये हमारा चिल्ले का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब मैं चिल्ला को बनाऊंगी। तावा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब मैं फैलाना है, पतला बनाए ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, आप थोड़ा मोटा बनाना चाहती हैं तो मोटा भी बना सकती हैं। इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरह से फैलाना होगा। और अब मैं आंच को तेज कर दे रही हूं और थोड़ा तेल इस तरह से थोड़ा, जब पकने के बाद मैं इसे पलट दूंगी। ये अभी हमारा पका नहीं है। ये देखिए, अब मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है, बिल्कुल सुनहरा। चिल्ला को आप नॉन स्टिक में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
ये देखिए, और ये हमारा चिल्ला बनकर तैयार हो गया। ये देखिए हमारा चिल्ला, इसी तरह से मैं देखिए एक और मैं इस तरह से धीरे धीरे फैलाना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे इसको तवा पर इस तरह से फैला लेना है। अच्छे तरीके से और अब इसके चारों तरफ इस तरह से तेल को डाल देना है और ऊपर भी थोड़ा इस तरह से डाल देना है और इसे भी पका लेना है। ये देखिए अब इसे मैं इस तरह से पलट दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और दूसरे साइड भी इसे सेक लेना है, आंच को तेज कर दे रहे हैं। और ये हमारा चिल्ला बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं सारे बैटर का इस तरह से मैं चिल्ला बना लूंगी। दोस्तों ये हमारा मसूर दाल का चिल्ला बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।